लेते हैं नफरती साजिश को। देखिए लगातार अब जो पुलिस बल हैं वो भी नाकाम करने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर सामने आ रही है। देखिए इतिहास गवाह है कि देश को जितना नुकसान दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया है उससे ज्यादा देश के गद्दारों ने पहुंचाया है, जो देश में रहते हुए देश को खोखला कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बिल्कुल, कानपुर में जो नफरती नारे लगाते हैं लोग, उन पर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है इस पर आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आपत्तिजनक सरतंत्र से जुदा के नारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होते ही कानपुर पुलिस एक्शन में आ गई। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को जैसे ही वायरल वीडियो की जानकारी मिली पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पूरी घटना रावतपुर इलाके की बताई गई। 16 जुलाई की रात को गली से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तभी मंदिर के सामने जुलूस में शामिल अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और सरतंत्र से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगाने पर आयोजक आसिफ शाह और टीटू समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वही FIR होते ही आसिफ शाह सफाई देता नजर आया, कहा कि माहौल खराब करने में उसका कोई हाथ नहीं है, भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। क्या साजिश मानते हैं किसी को इसकी? इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो। और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं, अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी उनने अगर ये दे कर दिया वो करा दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं प्रशासन से। माहौल बिगाड़ने वालों को पता होना चाहिए कि यूपी में बाबा की सरकार है, अगर गुनाह किया है माहौल खराब करने की कोशिश की है तो उसकी सजा मिलेगी। नारेबाजी के आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, पहले भी यहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, इसके बाद भी मुहर्रम के जुलूस में हिंदू बस्ती और मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि विवादित नारेबाजी के पीछे किसका हाथ है और किसके कहने पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अजय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में ऐसे गद्दार है जो रोटी देश के खाते हैं, नमक देश का खाते हैं, लेकिन इसके बाद जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। कैसे ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए योगी सरकार ने जो तमाम आपने बात कही उन बातों को संज्ञान में लेते हुए एक्शन की पूरी तैयारी कर रखी है। एक व्यक्ति नामजद और लगभग 40 लोगों के खिलाफ FIR है जो ये नारे लगाए गए हैं, भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। नारों को लेकर तस्वीरें वीडियो जो बनाया गया है उस वीडियो की फॉरेंसिक जाँच करते हुए उसकी सत्ता प्रमाणित करते हुए तमाम जो पुलिसिया कार्रवाई है वो लगातार जारी है और लोगों को चेहरों के हिसाब से मानक बनाकर लोगों को खोजने की तैयारी है और मॉडल वो कुछ वैसा ही बनाना है जब नुपुर शर्मा के घटनाक्रम के दौरान कानपुर में दंगे हुए थे, कानपुर में बवाल हुआ था, उस दौरान भी पोस्टर सड़कों पर तमाम ऐसे दंगाइयों के लगाए गए थे, उनकी चेहरे शिनाख्त करने के लिए लगाए गए थे। तो पुलिस की तैयारी कुछ ऐसी सी भी है जिसमें फोटो हम देख सकते हैं कि अगले एक दो दिनों में तस्वीरें उनकी कानपुर की सड़कों पर पहचान करने के लिए लगाई जाएगी। जिस तरीके से नारेबाजी की गई, आक्रामक नारेबाजी करके प्रवोक करने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, पुलिस तमाम मामलों को लेकर जांच कर रही है, फॉरेंसिक जांच को प्राथमिकता दी जा रही है और साथ ही 40 जो नामजद लोग हैं उनकी तलाश में अलग अलग जगहों पर खोजबीन जारी है कानपुर में, क्योंकि नुपुर शर्मा के घटनाक्रम के दौरान जिस तरीके से दंगे हुए थे जो बेहद संवेदनशील। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए अभी एक्शन तेज है लेकिन गिरफ्तारियां कब तक होती है ये देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एल्विश यादव की। कोबरा कांड में एल्विश यादव इस तरीके से फंसे हैं कि उनकी मुश्किलें कम होने का
का नाम नहीं ले रही है। अब ईडी का शिकंजा भी एलविश यादव पर और लगातार एलविश यादव से पूछताछ हो रही है। देखिए 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है और अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या वो दोषी पाए जाते हैं या फिर वो बेकसूर होते हैं वो भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जो सांप का विनम है वो कहां से मिलता था, कहां से वो जुटाते थे, पैडलर कौन था, इसको लेकर पूछताछ हुई। रिपोर्ट आप देखिए। सिस्टम के हाथों में कोई पड़ जाए तो उसका सिस्टम हिल जाता है, यही आजकल हो रहा है यूट्यूबर एलविश यादव के साथ। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के दम पर इतने मशहूर हो गए एलविश यादव कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि अब सांपों के जहर की तस्करी के केस में फंस चुके हैं। इसीलिए तो पहले पुलिस और अब ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं, जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबी पूछताछ कर दी। यूट्यूबर एलविश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ में ईडी ने एलविश यादव से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। आखिर क्या कुछ सवाल थे ईडी के पास जो एलविश यादव से जानना चाहते थे, आखिर एलविश यादव क्या कुछ बताना चाह रहे थे, इतना वक्त लग गया, वो कौन से ऐसे रहस्य थे जो अब ईडी एलविश यादव से जानना चाह रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एलविश यादव से ईडी ने पूछताछ की। करीब 9 घंटे तक उनसे लखनऊ में सवाल जवाब हुए, क्योंकि एक रेव पार्टी में एलविश के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीग्राम जहर मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे यूपी की राजधानी लखनऊ में लंबी पूछताछ हुई है। जब 9 घंटों तक पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से एलविश यादव बाहर निकले तो क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। क्या पूछताछ हुई आपसे? क्या कहेंगे आपको याद दिला देते हैं कि 17 मार्च 2024 को यूट्यूबर एलविश यादव को गिरफ्तार किया गया था। उन पर सांपों के जहर की तस्करी कर रेव पार्टी में उसे ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। एलविश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, हालांकि 5 दिनों बाद ही जमानत मिल गई थी। इसी मामले को लेकर ईडी ने 10 जुलाई के दिन एलविश के खिलाफ नोटिस जारी किया और फिर लखनऊ के ईडी दफ्तर में 9 घंटों तक लंबी पूछताछ की। कोबरा कांड के बाद अचानक एलविश यादव सुर्खियों में आए और अपने दोस्तों को किस तरह से वो विस्पान कराते थे, सर्पों के विष से मनोरंजन कराते थे, यह सीन, यह वीडियो दुनिया ने देखा। लेकिन अब ईडी किस एंगल पर पूछताछ कर रही है, क्या कुछ जानना चाहती है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। मामला पेचीदा है, पुलिस के साथ ही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में जुटी है, यानी एलविश की मुश्किलें कम होने वाली नहीं दिख रही है। वैसे भी सांपों के साथ तस्वीरें, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना, सेलिब्रिटी लोगों से मिलना और सोशल मीडिया पर माहौलबाजी, यह सब आपको एलविश के बारे में याद होगा। कहीं इसी चकाचौंध में एलविश नियमों की धज्जियां उड़ा गए और अब सिस्टम में ऐसे फंसे हैं कि निकलना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।